हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है और कॉन्ट्रैक्टर क्यों यूज किया जाता है, और अगर कॉन्ट्रैक्टर हमारा ख़राब हो जाता है तो उसे हम कैसे रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी आइए हम आपको दिखाते हैं। डिफरेंट सप्लाई यूज होता है कॉन्ट्रैक्टर में। एक पावर सप्लाई यूज होता है जैसा कि मैंने मेंशन किया है, और दूसरा कंट्रोलिंग सप्लाई। पावर सप्लाई जो आपका है, ये आपका L1 L2 L3 इधर में है, ये आपका पावर सप्लाई यहाँ पे डाल दिया। तो उसके बाद जब कंट्रोलिंग सप्लाई जब यूज होता है, तो उसके बाद ये आउट करता है। इनमें आपका आकर के वोल्टेज जो है रुका रहता है। जब कंट्रोलिंग सप्लाई आपका काम करने लगता है, तब फिर आउट करता है। तो अभी हम आपको चेक करके बताएंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप का कॉन्ट्रेक्टर हमारे पास है। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये देखिए दूसरा मॉडल है। ठीक है, इसमें अपना एनसी पॉइंट है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे होंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। दूसरा एनओ है, एनओ एनओ है, एनसी एनसी है। आपको जैसे आप चेक करेंगे ना, एनसी एनसी में नॉर्मली क्लोज रहेगा और एनओ में नॉर्मली ओपन रहेगा। देखिए अभी आपको चेक करके बताते हैं कैसे। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ये एनओ पॉइंट में नॉर्मली आपका ओपन है, उसमें कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। देखिए एनसी में जब हम टच किए तो एनसी में आपका आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। हाँ देखिए, तो अभी आपका जो है ये नॉर्मली ओपन पोजीशन में रहता है। अभी जो है आपका कॉन्ट्रेक्टर जो है, जब तक कंट्रोलिंग सप्लाई नहीं दिया रहेगा, ओपन पोजीशन में रहेगा। देखिए अभी क्लेमीटर से चेक कर रहे हैं, कुछ भी पॉइंट इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसको कंट्रोलिंग सप्लाई मिलने के बाद ये कॉन्ट्रेक्टर पुश होता है। देखिए अभी हमने इसको प्रेस किया, तो प्रेस करने के बाद देखिए इसमें आ रहा है। ठीक है, जैसे इसको हम ऊपर करेंगे, लगा करेंगे, जैसे ही हम हटाएंगे कॉन्ट्रेक्टर को, देखिए वो साउंड बंद हो जाएगा। क्योंकि जब प्रेस होता है, जब कंट्रोलिंग इसको मिलता है, कंट्रोल मिलता है, तब वो आपका इधर का सप्लाई जो है इधर आउट करने लगेगा। अगर आप L1 में डाले हैं सप्लाई, तो इधर T1 से आउट करने लगेगा। अभी देखिए सेम इसका एनओ एनसी का जो ऊपर में पॉइंट है, इसका भी वही होगा। अभी देखिए एनओ पॉइंट को जो है सटा के रखे हैं। देखिए अभी वो एनसी हो गया, लेकिन जो एनसी पॉइंट है इसके बगल में आप एनसी पॉइंट देख रहे होंगे, आप एनसी पॉइंट पे लगाइए। ये देखिए अभी एनओ हो गया, ये पॉइंट जो है एनओ हो गया हमारा। इसको जब हम कंट्रोल छोड़ेंगे तो ये हमारा एनसी रहेगा। ये कॉन्ट्रेक्टर का ये फंक्शन आप जान लिए। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूज होते हैं। अब इसमें सिंगल पोल, टू पोल, अपना थ्री पोल, फोर पोल में भी आते हैं। जैसे इसमें फोर पोल है, देख रहे हैं, L1 L2 L3। ठीक है, अपना ये एनओ पॉइंट है, इसको भी न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। ये बाकी आपका A1 A2 है। फिर देखिए दूसरे टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्टर है, इसमें L1 L2 L3, इसमें एनओ एनसी पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन ये आपका नॉर्मली ओपन पोजीशन में रहेगा। इधर में देखिए आपका A1 A2 है, इधर में भी आप सप्लाई डाल सकते हैं। A1 में फेज डाला, A2 में न्यूट्रल डालेंगे तो आपका ये कॉन्ट्रेक्टर पकड़ लेगा। ये जो है कॉन्ट्रेक्टर पकड़ लेगा। सेम इसका दूसरे साइड भी है, इसको दो साइड दिया है A1 A2। लेकिन ये जो दोनों है ना, आप कभी भी A1 मान लीजिए इधर है और इधर में A1 है, तो एक बगल आप अगर फेज डालते हैं और दूसरे बगल न्यूट्रल डालते हैं, तो आपका शॉर्ट कर जाएगा। A1 में अगर आप फेज डाले हैं तो A2 में आपको न्यूट्रल डालना है, या आप इधर डालें या इस साइड डालें। ठीक है, फिर आपका ये हो गया, ये भी एक कॉन्ट्रेक्टर है, फिर ये भी एक कॉन्ट्रेक्टर है। तो ये आपका ज़्यादा कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड पड़ता है कि आप कितना एम्पियर का कॉन्ट्रेक्टर यूज कर रहे हैं। सब डिफरेंट डिफरेंट एम्पियर का है। ठीक है, ये आपका देख रहे हैं 32 एम्स ऊपर में लिख रहा है। ठीक है, ये एटलीस्ट 16 एम्स का है, यहाँ पर देखिए 16 एम्स, 600 वोल्ट AC। तो ये सब डिफरेंस डिफरेंस अपना है एम्स का, जितना आपका यूनिट का कैपेसिटी है उसके हिसाब से यूज में लाया जाता है इसको। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर हम खोल के देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये खराब होने पर आपको कैसे मालूम चलेगा कि मेरा कॉन्ट्रेक्टर खराब हो गया। ठीक है, तो वो भी आपको चेक कर देते, क्योंकि ये मेरा कॉन्ट्रेक्टर खराब है। अभी देखिए, अभी जब बंद है ये, तो बंद पोजीशन में ये आपका, ये हमारा जो है एनओ पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा एनओ आना चाहिए, ये जो भी है L1 से जो अपना T1 निकल रहा है, तो ये होना चाहिए आपका एनओ पोजीशन में। लेकिन अभी देखिए, अभी चेक करके देखेंगे। ठीक है, अभी दूसरा देखेंगे,
ये देखिए, एक ओ फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला हमारा अंदर में शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट हो गया है किसी तरह से। ये देखिए, ये पॉइंट भी शॉर्ट कर गया है। तो अभी हम इसको खोलेंगे, खोल करके देखेंगे इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं और इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इसको हम आपको चेक करके बताते हैं, ठीक है। और हम आपको अभी लाइव न्यूट्रल ऑफ फेज इसका कॉन्ट्रेक्टर का A1 A2 में डाल करके उसके बाद कॉन्ट्रेक्टर कैसे पकड़ता है उसके बाद का पोजिशन हम आपको दिखाएंगे। एक चीज और है कि इसका जो है ना कॉन्ट्रेक्टर कॉइल वोल्टेज जो है ना, कभी भी देख करके आपने, कॉइल वोल्टेज डिफरेंस डिफरेंस होता है। इस ये देखिए, इसका कॉइल वोल्टेज कितना है, इसका आपका 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, ठीक है। तो इसका कॉइल वोल्टेज जो है आपको 220 से 250 के बीच में दे सकते हैं। तो नॉर्मली आपका जो है ना यूज 220 240 होता है, डिफरेंट डिफरेंस भी आता है, 440 कॉइल वोल्टेज भी आता है, फिर आपका आपका 12 वोल्ट का भी आता है, 24 वोल्ट का भी आता है। तो आपको जो है ना देख करके क्वाइल वोल्टेज आप देख लें कितना है उसका, उसके हिसाब से यूज करें, क्योंकि ये पावर के लिए यूज करता है। इसका फंक्शन क्या है ना, ये एज ए ओनली सेफ्टी डिवाइस यूज होता है। अब जैसे आपका MCB है ना, तो MCB को हम लोग मैनुअली अपना ऑन करते हैं तो पावर जो है आउट होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसके लिए हमारा जो है यहाँ पर देखिए A1 A2 दिया हुआ है। इसके जरिए हम इसको ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए यहाँ पर A1 A2 में सप्लाई डालते हैं न्यूट्रल फेज, तो उसके बाद कॉन्ट्रेक्टर पकड़ता है। तो जो भी फेज इधर आप डाल करके रखे हैं वो मोटर में चले जाता है। इसके लगाने से क्या है कि आपका मोटर बचा रहेगा, सेफ्टी रहेगा, ठीक है। अगर क्योंकि इसका देखा जाए तो आपका मोटर चलाना है तो बिना कॉन्ट्रेक्टर के भी आप चला सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप सप्लाई अगर कॉन्ट्रेक्ट मोटर में डाल देंगे तो आपका रनिंग होएगा, लेकिन आप वो सेफ्टी नहीं रहेगा, किसी तरह से शॉर्ट होता है या वोल्टेज ज्यादा कम होता है तो उस टाइम जो है आपका मोटर जल जाएगा। इसलिए वो खराब ना हो इसके लिए करके हम कॉन्ट्रेक्टर लगाते हैं, और कॉन्ट्रेक्टर या तो ट्रिप कर जाएगा या शॉर्ट कर जाएगा या कॉन्ट्रेक्टर आपका खराब होगा। तो ये कम कॉस्ट का है, आपका जो इक्विपमेंट है, आप जो मशीन चला रहे हैं वो ज्यादा आपका कॉस्ट का आता है, तो इसलिए जो हम है कॉन्ट्रेक्टर यूज करते हैं। तो इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर का कौन कौन पार्ट्स रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये अभी हम कॉन्ट्रेक्टर को देखिए खोल रहे हैं। यहाँ पर एक स्क्रू रहेगा आपको ऊपर में, ये आप खोल लिए, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे है, इसको खोल लेते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। स्क्रू हमने खोल लिया, ये देखिए इसके अंदर का पोजीशन कैसा रहता है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये स्प्रिंग है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये आपका पत्ती है सब। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर बीच में थोड़ा जलने जैसा हो गया है। ये देखिए ये बीच का पॉइंट जो है ना, ये दो कॉयल इधर में जो है किनारे, ये जल गया है जो आपका शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम खोल करके फुल रिपेयर करेंगे। अभी इसको कॉयल एरिया निकालने के लिए इधर से ये निकालना होगा। इसके पीछे में देखिए यहाँ पर दो स्क्रू दिया हुआ है, वे दो स्क्रू खोलते हैं। ये हमने हटाया इसको, ठीक है। इसके अंदर छोटा PCB भी दिया है, लेकिन बाकी कॉन्ट्रेक्टर में आपको PCB ये नहीं मिलेगा, ये ज़्यादा कैपेसिटी का है ना, ज़्यादा एम्स का, इसके लिए करके इसके अंदर PCB बैठाया है। ये इसका कॉइल है इधर में, अभी इसको भी खोलना होगा, यहाँ से हमको खोलेंगे तो निकलेगा। हाँ दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है, अभी मैंने ये पत्ती को निकाला, ये दो पत्ती आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, ठीक है। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये दो पत्ती यहाँ पे रुक गया, इसमें यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके अंदर है दो पत्ती, लेकिन ये दो पत्ती आपस में ये सट गया है। तो ये दो पत्ती को हमको हटाना होगा, अलग करना होगा, और उसके बाद इसको अच्छा से क्लीन करके CRC के जरिए आप क्लीन करेंगे, क्लीन करके और पूरा हम फिटिंग करके उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये बना कि नहीं बना, ठीक है, आप बने रहिए। ये देखिए, ये हमारे पास ये फाइल निडल है, छोटा छोटा फाइल है आप इसको साफ करने के लिए, क्योंकि देखिए अब कैसा हो गया है ये पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास CRC है, अभी इसको हम फुल क्लीनिंग करेंगे, क्लीन करके उसके बाद इसमें फिट करेंगे। दोस्तों, तभी मैंने साफ करके इसमें डाला, ये
ये तीनों पिन को सब चार छः छः पिन है ना, छः पिन को मैंने साफ किया, साफ करके डाला। अभी इसको बैठाएंगे, फिर उसके बाद ये है, आप अच्छे से क्लीन करेंगे ठीक है तो आपका ये बराबर रहेगा। दूसरी बात कि जब भी आप खोले तो ध्यान में रखेंगे कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पर बैठा हुआ था, तो आपको आसानी होगा, नहीं तो भूल जाने के बाद दिक्कत होगा बैठाने में। हाँ दोस्तों, तो अभी हमने इसको फिर से सीआरसी वगैरह पूरा क्लीन करके डाला है, अभी देखिए आपको मालूम चलेगा इसमें नहीं आ रहा है अभी, उस टाइम आ रहा था ना। अभी देखिए तीनों में एनो पॉइंट है, अभी तीनों पॉइंट में आप चेक किए तो एनो पॉइंट बताया। ये देखिए आपस में करने के बाद टच कर रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा, देखिए आपको फिर से दिखाएंगे, ये नहीं कर रहा है। और अभी हम इसमें कंट्रोल सप्लाई क्या डाले हैं 220, देखिए यहाँ पे कंट्रोल सप्लाई के लिए यहाँ पर न्यूट्रल फेज हम लगाए हैं, अभी हम इसको चालू करके देखेंगे हमारा सही हुआ कि नहीं। अभी हम इसमें डालेंगे वोल्टेज, अभी 220 कॉइल वोल्टेज डाला इसमें, चल ये देखिए अभी कॉन्टेक्टर हमारा पकड़ लिया, अभी हम चेक करेंगे, अब पास होना चाहिए, इन आउट होना चाहिए, देखिए अभी अभी इन आउट हो रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्टर को और कॉन्ट्रेक्टर का क्या फंक्शन है ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।